सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषो, जैसा कि दास ने पूर्व में संत निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ महात्मा ऋषि व्यास देव जी के जीवन परिचय के रूप में भाग एक रखा था, आज इस वीडियो के माध्यम से भाग दो दास आप जी के चरणों में रख रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हो तो नादान बच्चा समझकर क्षमा करना जी। गुरु का वचन सर्वोत्तम। ऋषि व्यास देव जी, आप एक महान और पूर्ण गुरु सिख थे। गुरु भक्ति और हुक्म मानने की भावना आपकी रग रग में समाई हुई थी। हुक्म मानने में आप स्वयं एक प्रमाण थे। जब कभी भी सदगुरु का आदेश थड़े बना दो या थड़े गिरा दो का आता, तो आप जैसे हुक्मी संतों को वचन मानकर कार्य करने की भावना अन्य गुरु सिखों के सामने प्रेरणा का स्रोत बन जाती। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई में दादर के सत्संग भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ हिस्से का लेंटर पड़ चुका था। हुजूर शहनशाह जी उन्हीं दिनों में मुंबई पहुंचे। जब भवन में पहुंचे तो शहनशाह जी ने फरमाया, यह लेंटर ठीक नहीं है। शहनशाह जी तो प्रचार यात्रा करते हुए अगले स्टेशन पर चले गए। आपने अगली सुबह ही लेंटर गिराना शुरू कर दिया और नए सिरे से कार्य शुरू करवा दिया। कुछ समय बाद शहनशाह जी फिर मुंबई पधारे, भवन निर्माण देखा और फरमाया, यह अभी भी ठीक नहीं बना, इसे गिरा दो और ऐसे ऐसे बनाओ। जब दूसरी बार भवन के लेंटर के बने हुए कुछ भाग को गिराने लगे तो संत बालारूप जी और अन्य कई संत महापुरुषों ने कुछ हिचकिचाहट प्रकट की और कहने लगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और समझाया कि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सदगुरु के सेवक हैं, भवन के नहीं। सदगुरु तो भवनों के मालिक हैं। यदि मालिक 10 बार भी बिल्डिंग गिराने को कहे तो हम गुरु सिखों का यही कर्तव्य बनता है कि हम हुक्म का पालन करें। गुरु के आदेश के आगे किसी तरह की समझदारी करना या नुक्ताचीनी करना गुरु सिख को गिरावट की ओर ले जाता है। इसलिए इस आदेश को चर्चा का विषय बनाने की बजाय हम सभी का कर्तव्य बनता है कि गुरु के आदेश को मानते हुए कर्म क्षेत्र में आगे बढ़े। इस प्रकार आपने सभी को गुरु वचन के साथ जोड़ा। आपके अथक प्रयास से मुंबई में संत महापुरुषों की संख्या इतनी बढ़ गई कि दादर भवन में रविवार का सत्संग करना कठिन हो गया। और कुछ समय बाद ही मुंबई के चेंबूर क्षेत्र में भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आपकी देखरेख में संत महापुरुषों ने पूरी तन्मयता से भवन निर्माण के कार्य में सेवा करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप थोड़े समय में ही एक विशाल भवन तैयार हो गया और आदेश पाते ही आपने वहां रहना शुरू कर दिया। सत्संग भवन में आप हर आए संत महात्मा की सेवा अपने हाथों से करके उनकी खुशी प्राप्त करते। आप एक कर्मठ सेवादार थे। आप मुख से नहीं बल्कि कर्म करके कहते थे। आप स्वयं कार्य करते थे जिसे देखकर अन्य लोग भी तैयार हो जाते। समागम व भवन निर्माण के समय आप स्वयं तसले उठाना, फावड़ा चलाना, रात दिन मैदान में रहना, लंगर में सब्जी आदि काटने में सहायता करना आदि सेवाओं में भाग लेकर सेवादारों में दुगुना उत्साह भर देते। इस प्रकार आप बहुत से सेवादारों के आगे लाए जो दिन रात सेवा करके आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। आपको हाथों से सेवा करके खुशी मिलती थी। आप सुबह 4 बजे उठकर सत्संग भवन के पखानों और गुसलखानों को अपने हाथों से साफ करते। यदि किसी सेवादार ने विनती करनी कि यह कार्य उनको करने दिया जाए तो आपने मुस्कुरा कर कह देना, महापुरुषो, आप तो सारा दिन ही सेवा करते हो। दिन में तो मुझे कोई सेवा का कार्य हाथों से करने नहीं देता, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर कुछ शारीरिक सेवा करने लग जाता हूँ ताकि शरीर भी तंदुरुस्त रहे और सेवा भी होती रहे। यही बस नहीं, आप तो सेवादार के छोटे छोटे काम करके भी खुशी प्राप्त कर लेते थे।
सेवादारों के कपड़ों की खुद ही मशीन पर सिलाई करते थे, और यदि किसी सेवादार की कमीज का बटन टूटा होता या किसी की सिलाई उधड़ी हुई होती तो उनके कपड़ों की मरम्मत आदि आप अपने हाथों से ही करते। आप सेवादारों को बहुत प्यार देते, उनको अपने बच्चों के समान समझते। जब कभी भी कहीं सुबह का सत्संग करने जाना होता तो आप सुबह 3-4 बजे उठकर अपने साथ जाने वाले गीतकारों एवं साथियों के लिए भी नाश्ता तैयार करते, और यदि सफर लंबा होता तो दोपहर का खाना भी साथ ले लेते। नाश्ता आदि बनाने के बाद ही आप बाकी सबको जगाते, और इस तरह एक माँ की भांति उनका पूरी तरह संरक्षण करते हुए उन्हें साथ रखते। आपने बसों व रेलगाड़ी के द्वारा प्रचार प्रसार किया। आप जी का सेवादारों से प्रेम। मिशन के सेवादारों की किसी आवश्यकता को पूरा करके आपको बहुत खुशी मिलती। किसी को नौकरी दिलवाने के लिए आप उनके साथ दफ्तरों में घूमते, और यदि किसी ने दुकान खोलनी होती तो दुकान की जगह आदि देखने के लिए स्वयं जाते और उसकी पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेते। बहुत बार तो आप अपने पास से पैसे देकर भी उनके व्यवसाय को कामयाब करते। भवन के सेवादार भी आपको और आपकी धर्म पत्नी कांता जी को अपने माता पिता से भी अधिक प्रेम करते थे। आप बहुत नरम दिल इंसान थे। आपका हृदय इतना कोमल था कि किसी की भी पीड़ा को देखकर आप उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करते, और साथ ही उसकी सुख शांति के लिए सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते। जो महापुरुष आपके साथ प्रचार यात्रा में जाते उनकी छोटी छोटी बातों का आप स्वयं ध्यान रखते। एक बार कोंकण की प्रचार यात्रा में अपने 8-10 साथियों के कपड़े मेले देखकर आपने चुपके से उनके कपड़े लिए और नदी पर धोने चले गए। जब साथियों को पता चला तो वे बहुत शर्मिंदा हुए कि सेवा तो हमने करनी चाहिए थी, पर आपने हंसकर कहा, महापुरुषो मुझे भी सेवा का सुअवसर चाहिए। इस प्रकार आप स्वयं कार्यरत होकर सेवा का महत्व समझाते थे। एक बार की बात है कि निरंकारी मिशन के प्रसिद्ध गीतकार जगत जी, जो उस समय बाल्यावस्था में थे, आपके साथ प्रचार यात्रा पर थे। एक दिन जगत जी के सिर में बहुत दर्द होने लगा। जब आपको पता चला तो आप चाहे खुद भी थके हुए थे, आपने अपनी परवाह किए बिना जगत जी के कमरे में आकर उनका सिर दबाना शुरू कर दिया। जगत जी ने बहुत विनती की कि सेवा करने का फर्ज तो हम बच्चों का बनता है। इस पर आपने उन्हें बड़े प्रेम से कहा, गुरसिख गुरसिख होता है, बच्चा हो या वृद्ध, गुरु का भक्त होने के नाते ही उसकी सेवा की जाती है। इसके साथ सेवा करने वाले के मन में गुरु सेवा का भाव प्रबल होता है। इसलिए जब किसी भी महापुरुषों की सेवा की जाती है तो वास्तव में गुरु की सेवा ही हो रही होती है। इसके अलावा यह शरीर तो आप पहले ही निरंकार प्रभु का मान चुके हो, इसलिए मुझे सेवा का आनंद लेने दो। इस प्रकार आप स्मरण करते करते जगत जी का सिर दबाते रहे और कुछ मिनटों में उनका सिर दर्द दूर हो गया। ऋषि व्यास देव जी करुणा का साक्षात्कार रूप थे। आप नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को मानने वाले थे। एक बार एक सेवादार का छोटा बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि सारा शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया। शरीर से उनकी दुर्गंध आती कि उसके माता पिता भी उनसे दूर रहते, लेकिन ऋषि जी उसे अपनी गोद में लेकर उसके शरीर को साफ करते, उसकी सेवा करते। कई महापुरुषों ने आपकी धर्म पत्नी जी कांता जी को कहा कि वह ऋषि जी को इस बच्चे से नजदीक जाने से रोके, वरना वह भी इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। जब कांता जी ने महापुरुषों की बात का सहारा लेकर आपको मना किया तो आप हंसते हुए कहने लगे, संगत में सेवा की महिमा गाती हो और यहाँ मुंह फेरती हो, कमाल है। जरा सोचो कि क्या सदगुरु ऐसे दोहरे आचरण से खुश होगा। महापुरुषों यही है सदगुरु की सेवा। आपके मधुर डांट सुनकर कांता जी चुप हो गए। कुछ ही दिनों में आपकी निष्काम सेवा के कारण वह बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसी प्रकार एक सेवादार जिसको ऋषि जी ने अपने बेटे जैसा प्रेम दिया था, शादी के बाद आपने धर्म पत्नी को लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आपके पास आया। जब नवविवाहित वधु ने नमस्कार की तो ऋषि जी ने कांता जी से कहा, हमारी बहू को अपने गले की माला पहना दो।
माता कांता जी ने भी विशालता का प्रमाण दिया और हंसते हंसते अपने गले से सोने की माला उतार कर उस सेवादार की पत्नी के गले में डाल दी। ऐसा था इस दंपत्ति का जीवन, निर्मल और निश्चल। आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ था। आप न ही किसी के कभी नाराज होते और न ही किसी को नाराज हुआ देखकर चैन से सो पाते। एक बार मुंबई भवन के सेवादार निर्मल स्वामी जी अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं आपसे बात पर उलझ गए और ऋषि जी ने उन्हें समझाने के लिए कुछ तीखे वचन कह दिए। निर्मल जी नाराज हो गए। उन दिनों निर्मल जी भवन के बाहर ही बिस्तर लगाकर सोया करते थे। देर रात को उनके पैरों पर पानी की बूंदे गिरने से उनकी नींद खुल गई। आंख खोलकर देखा तो ऋषि जी उनके पैरों पर सर रख कर रो रहे थे। एकदम निर्मल जी उठकर बैठ गए और आपने कहा, निर्मल जी मुझसे आपका दिल दुखाया गया है, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे कई उदाहरण आपकी महानता के दिए जा सकते हैं। यदि कोई सेवादार किसी अन्य महापुरुष से किसी बात पर मन मुटाव कर लेता तो आप जब तक दोनों में समझौता न कर लेते तब तक खाना नहीं खाते थे। यह बात सेवादारों को भी पता थी, इसलिए उनका भी प्रयास यही रहता कि सब संत महात्मा प्रेम पूर्वक ही रहें और हर समस्या का समाधान मिल बैठकर ढूंढ लें और एक दूसरे का वचन मानते रहें। आप भवन में रहने वाले सेवादारों को अपने बच्चों की तरह रखते थे। छोटी छोटी बात उनको समझाते और कई बार उनके सुधार के लिए डांट डपट भी कर लेते। उन दिनों संत महापुरुषों की संख्या सीमित थी। वे देर रात तक मिलकर हरि यश करते और प्रभु के रंग में रंगे हुए नाचते गाते। एक बार ऐसा ही भक्ति भरा माहौल बना हुआ था। हरि यश में विभोर हुए सभी संत महात्मा नाच गा रहे थे। आपने पास बैठे जगत जी को भी नाचने को कहा। जगत जी हिचकिचाहट करने लगे। जब दो तीन बार कहने पर भी जगत जी उठकर न नाचे तो आपने उन्हें एक मीठी मीठी डांट दी। बाल संत जगत ने इस डांट को अपना समझा और उठकर कमरे में चले गए। इस पर ऋषि जी खुद उनके कमरे में गए, उनको अपनी बाहों में लिया और स्वयं भी अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उनकी आंखों में आंसू देखते ही जगत जी का गुस्सा पश्चाताप में बदल गया और वह सोचने लगे कि ऋषि जी कितने महान हैं, परंतु मेरे कारण इतने बड़े संत का दिल दुखी हो गया। उसी समय जगत जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। इस प्रकार आपका पाक पवित्र स्नेह सबको अपनी ओर खींचता गया। संगत के सभी महात्मा आपको पूजनीय मानते और आपके हर आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझते। आप मिशन के प्रसिद्ध गीतकार नाथ बामुगड़े गोपी जी को साथ रखते और छोटी छोटी बातों की ओर उनका ध्यान दिलवाते, उन्हें सजग करते और गुरुसिखों की बुलंदियों को छूने की कला सिखाते। आपके मार्गदर्शन के कारण ही आज मुंबई में अनेकों अच्छे अच्छे गायक कलाकार गीतकार व प्रचार मानवता की सेवा कर रहे हैं। एक निर्भय प्रचारक ऋषि व्यास देव जी की परोपकार की भावना, तप त्याग और पावन पवित्र प्रेम ने सच्चाई की आवाज कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दूर देशों में पहुंचाने में सहयोग दिया। उस समय मंडल की ओर से ब्रांचों को गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं थी, परंतु जो भी साधन मिला आप गाँव गाँव में पहुंचे। आपका संगतों के प्रति प्रेम ही था कि आप अपने निजी कार्यों को कभी परवाह न करते और यदि आधी रात को भी कहीं से बुलावा आ जाता तो आप वहां के लिए चल पड़ते। प्रचार प्रसार में आपने किसी प्रकार की रुकावट को आड़े नहीं आने दिया। गुरु पर विश्वास आपकी ताकत था। आप सदा निडर होकर कार्य करते हैं। जैसे एक बार आपका रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुक में कार्यक्रम तय हुआ। पड़ोस के चिंचवली ग्रामवासी विरोध में खड़े हो गए, लाठियां लेकर गांव की सीमा पर आ गए कि निरंकारी प्रचारक को जाने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जान से भी मार देंगे। यह सुनकर निरंकारी भक्त सहम गए। वे गांव से पीछे की ही राजमार्ग पर एकत्रित हुए, ऋषि जी को विनती करने लगे कि वह वापस मुंबई चले जाए। ऋषि जी ने उनकी बात सुनकर शांत स्वर में कहा, यह कार्य गुरु का है, न आपके घर का है न मेरे घर का, सदगुरु ने ही यह कार्य करना है, आप घबराए नहीं।
अब तो मैं आगे टूर पर जा रहा हूँ। आप एक सप्ताह के बाद यहाँ अपने गांव में सत्संग का कार्यक्रम रख लेना। वापसी पर आपके गांव में ही सत्संग होगा। हुआ भी ऐसे ही, एक सप्ताह के बाद चिंचली गांव के प्रमुख चौक में सत्संग का आयोजन किया गया। गांव वाले ऋषि जी के प्रवचन सुनकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगे और कई लोगों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कोंकण, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, पुणे, गोवा आदि स्थानों पर जहां पहले विरोधी थे, वहीं आपके प्रेम ने मिशन के अनेकों अनुयायी प्रकट कर दिए। जहां नाकाबंदी की बात चलती थी, वहां स्वागत के फूल बरसने लगे। आप लगभग यूपी के हर शहर में गए। एक बार प्रचार करते करते आप उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के कस्बा दुर्गापुर में पहुंचे। आपने पहुंचने से पहले ही महापुरुषों ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भगवान के दर्शन करने हैं वह सत्संग में पधारे। हजार लोग सत्संग में पहुंच गए। आपने अपने प्रवचनों में मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मानव और प्रकृति का संबंध, प्रकृति पूजा और प्रभु पूजा, माया का मान, मन पर प्रभाव, सदगुरु की आवश्यकता, सात संगत की कृपा आदि का वर्णन किया। लोगों ने आपके प्रवचन बहुत ध्यान से सुने। संगत समाप्ति के बाद ज्ञान लेने वालों की गिनती इतनी बढ़ गई कि आपको लाउड स्पीकर लगाकर ज्ञान देना पड़ा। यह वही स्थान है जहां पर एक सजे हुए हाथी पर बिठाकर आपकी शोभा यात्रा निकाली गई। आप एक महान प्रचारक थे। प्रचारक के रास्ते में कोई भी बाधा आई, आपने उसका हंसते हंसते सामना किया। कभी गिला शिकवा जुबान पर नहीं आने दिया। एक बार आप नेपाल में प्रचार यात्रा पर गए। आपके साथ मिशन के एक गीतकार और महात्मा दीन दयाल जी थे। उस समय नेपाल में किसी अन्य धर्म का प्रचार करना कानूनी तौर पर वर्जित था, परंतु आप तो मानवता को मानवता सिखाने वाले धर्म का प्रचार कर रहे थे। आपके प्रवचन इतने प्रभावशाली थे कि देखते ही सत्संग में कई लोग इकट्ठे हो गए। इतने में ही वहां पुलिस आ गई और उन्होंने आपको हिरासत में ले लिया। आपको 3 दिन तक थाने में पुलिस की हिरासत में रहना पड़ा। वहां के महापुरुष बेचैन हो उठे, परंतु आप तो पुलिस चौकी में बैठे भी निरंकार तथा सदगुरु के रंग में रंगे भजन गाते रहे और वहां के कर्मचारियों से प्रभु चर्चा करते रहे। आपने इस घटना के पीछे छुपे हुए रहस्य में सबको वाकिफ करवाया। आपने संत महापुरुषों को समझाया कि निरंकार प्रभु ने यह लीला रचकर सदा के लिए सत्संग की रुकावट को दूर करना है। हुआ भी ऐसा ही, आपका चुंबकीय व्यक्तित्व, गुरु भक्ति व निरंकार एवं सदगुरु पर अडोलता, अत्यंत शालीनता एवं नम्रता रंग लाई। उच्च अधिकारियों और सरकार से आपकी बातचीत हुई और सदगुरु की कृपा से सरकार की तसल्ली हुई कि यह मिशन मानवतावादी है जो आध्यात्मिकता के द्वारा मानवीय मूल्यों को उजागर कर रहा है, कोई संप्रदाय नहीं। उन्होंने ऋषि जी को बाइज्जत बरी कर दिया और इसके बाद निरंकारी मिशन को वहां खुले आम सत्संग करने की अनुमति मिल गई। भिन्न भिन्न ग्रंथों के पठन में आप रुचि रखते थे। अंग्रेजी भाषा पर आपको प्रभुत्व था। आपने यदि ग्रंथ कबीर जी और तुलसीदास जी की वाणी का गहरा अध्ययन किया था। इसके साथ ही बाइबल और बौद्ध धर्म ग्रंथ का भी बोध था। इस कारण वह बड़े बड़े विद्वानों के साथ भी इस निराकार के ज्ञान की चर्चा करने से कभी न चुकते और उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन जीने को सही कला से अवगत करवाते। स्थानीय प्रचारकों को प्रोत्साहित करना। आपने अपना व्यक्तित्व ही सात संगत में एक मेक कर दिया था। महाराष्ट्र के कई मराठी प्रचारकों, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पंडित उमाकांत जी, लालचंद जी, सुमेदार जी, स्नेही जी, चंद्रवली जी, चंद्र मोहन जी, जवाहर जी, बाल रूप जी, वाजपेयी जी, राम कृपाल डोंगे जी, पांडुरंग जी, गोविंद फणसे और अन्य कई प्रचारकों को अपने साथ रखकर हर प्रकार की सिखलाई दी। निरंकारी जगत के प्रसिद्ध गीतकार गोपी जी गलियों में मराठी पवाड लोक गीत गाकर जीवन निर्वाह करने वाले को आपने अपने साथ प्रेम सूत्र में ऐसा बांधा कि वह मिशन के अनमोल हीरे साबित हुए। इस प्रचार
इस प्रकार अनेक स्थानीय प्रचारकों को आप प्रचार के कार्य में लगाते रहे, जिससे यह सत्य का मिशन जन जन तक फैल गया। ऋषि जी ने अपने मान सम्मान की परवाह न करते हुए मिशन के हितेशियों को आगे किया। जिन लोगों के विचार व स्वभाव आपसे भिन्न थे, उनको भी प्रचार की जिम्मेदारी देते थे। यदि कोई आपका कहता कि वह व्यक्ति तो आपको बुरा भला कहता है, तो आप एकदम कहते, मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, गुरु के लिए तो ऐसा नहीं कहते। गुरु का प्रचार तो कर रहे हैं ना, मुझे मेरा नहीं, गुरु का प्रचार करवाना है। इस प्रकार आप सबको गुरु से जोड़ते न कि अपने आप से। आप संत महापुरुषों में देखकर बहुत खुश होते हैं। पहली बार जब आप कनाडा से वापस आए, तो आपके पास हवाई जहाज की टिकट दिल्ली तक की ही थी। जब आप मुंबई पहुंचे, तो आपको पता चला कि मुंबई की संगत ने दिल्ली समागम पर जाने के लिए रेलगाड़ी की एक बोगी बुक करवाई है, तो आपने अपनी टिकट भी उसी बोगी में बुक करवा ली। कुछ महापुरुषों ने चाहा कि आप फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ जाएं, तो आपने बड़े प्रेम से कहा, मैं तो सात संगत के बीच शामिल होकर सफर का आनंद लेना चाहता हूँ। यदि अकेले ही फर्स्ट क्लास में बैठना होता, तो मैं हवाई जहाज द्वारा भी दिल्ली जा सकता था। मैं तो संत महापुरुषों की रहमत का पात्र बनना चाहता हूँ। इस प्रकार आप शारीरिक आराम से अधिक सात संगत का मिलाप व प्रेम लेने के इच्छुक होते हैं। सात संगत जी, इस प्रकार से भाग दो दास ने आप जी के चरणों में रखा। दास पुनः भाग तीन के रूप में आप जी के बीच में उपस्थित होगा। अभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।